गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत सारे कैरेक्टर कैमियोज करते दिखेंगे, जिसमें एक नाम वुल्वरीन का भी आता है। और रिसेंटली अभी एक ऐसा ही र्यूमर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग वुल्वरीन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में देखने को मिलेगा। और कुछ फैन थ्योरी भी सजेस्ट किया गया है कि वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस या फिर कैमियो करते नजर आ सकते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से रिलेटेड लीक्स और र्यूमर जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करने का मूड बन जाए तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नहीं तो फिर सब्सक्राइब करके भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यह टॉपिक छोटा है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो रिसेंटली जॉय इम्यूनिटी वालों की तरफ से यह कन्फर्म किया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में वुल्वरीन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, जिसका रोल ह्यूज जैकमैन नहीं करेंगे। जी हाँ, इस रोल के लिए फिलहाल तो ह्यूज जैकमैन का नाम सजेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वो इस रोल को करने से मना कर दिए थे, क्योंकि उन्हें स्किन कैंसर था जिसे डायग्नोस होने के बाद वो पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही एक्सपेंड करना चाहते थे, जिस वजह से वो एक्समैन के यूनिवर्स को भी छोड़ दिए और इवन मूवी करना भी। लेकिन अब वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए हैं और उनका रिसेंटली रिमिनिसेंस मूवी भी रिलीज हुआ है जो एवरेज ही रही थी। खैर, ह्यूज जैकमैन इस रोल को करे या फिर ना करे, लेकिन आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में वुल्वरीन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका रोल तो फिलहाल तो र्यूमर के अकॉर्डिंग डेनियल रेडक्लिफ को दिया गया है, जिसे आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। और र्यूमर के अकॉर्डिंग ये भी एक इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक मेंबर होगा, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर में पेश किए जाएंगे तो वहीं पर वुल्वरीन के कैरेक्टर का भी एक छोटा सा सीन होगा। और जब वांडा इस हेडक्वार्टर में आकर तबाही मचाएगी तो फिर इसे रोकने के लिए वुल्वरीन दौड़ते हुए आगे आएगा, जिसे वांडा अपने मैजिक की मदद से वापस भेज देगी। और फिर उसके बाद यह सीन होगा जहाँ पे कैप्टन मार्वल की एक वेरिएंट वांडा से फाइट करेगी, जिसके बाद का रिजल्ट तो आप सब जानते ही हो। और जितने भी कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिलेंगे वो सब इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही एक मेंबर होगा, क्योंकि एक दफा ही सभी कैरेक्टर का कैमियो कराकर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे वो सब मेन और लीड कैरेक्टर ही है। तो ऐसे में मार्वल स्टूडियो इस मूवी में सभी को स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, जिस वजह से वो एक दफा ही कैमियोज कराकर ख़त्म कर देंगे। खैर, फिर से बात करें टॉपिक पे, तो आई थिंक इस रोल के लिए डेनियल रेडक्लिफ सही नहीं है, क्योंकि जो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा उसके पास बॉडी स्वॉडी भी चाहिए और इवन वियर्ड भी, जो फिलहाल तो डेनियल रेडक्लिफ के पास नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर वुल्वरीन को दिखाना है तो फिर इसके लिए ह्यूज जैकमैन ही सही रहेंगे, और फैन वुल्वरीन के रोल में इसी एक्टर को देखना चाहते हैं। और ये बात केविन फाइगी भी अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद इसी वजह से वो 2022 या फिर 21 के आसपास ह्यूज जैकमैन से मिलने गए थे बिना कोई इवेंट के। और इस पिक्चर को ह्यूज जैकमैन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी अपलोड किया था, और साथ ही बॉस लॉजिक की फैन आर्ट को भी। तो इन सब से आप लिंक कर सकते हो कि ह्यूज जैकमैन फिर से इस रोल करने के लिए रिटर्न आए, क्योंकि मूवी का प्रिपरेशन बहुत दिन पहले से ही होता है। तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में जो वुल्वरीन हमें देखने को मिलेगा उसका रोल ह्यूज जैकमैन करते ही नजर आए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ही कम है, जिसकी वजह मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वुल्वरीन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, ये बात जॉय इल्यूमिनाटी वालों की तरफ से कन्फर्म किया गया है। वैसे ये कोई ऑफिशियल सोर्स या फिर रिलायबल सोर्स नहीं है, जिस वजह से हम लोग इसे र्यूमर ही मान के चले तो सही रहेगा, क्योंकि लोग पब्लिसिटी के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। और इवन कुछ दिन पहले माई टाइम टू साइन वालों की तरफ से कहा गया था कि वुल्वरीन को मार्वल नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बचा के रखेगा, जो हमें सीक्रेट वॉर मूवी में देखने को मिलेगा। तो भाई पता नहीं क्या सच है या फिर क्या फेक, लेकिन इस बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अब एमसीयू में वुल्वरीन देखने को मिलेगा ही, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में हो या फिर मार्वल स्टूडियो के अपकमिंग प्रोजेक्ट में, लेकिन देखेगा तो ज़रूर। खैर, तो यही रिमर था जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछने किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।